हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है आपका मैसेज आपके पार्टनर के लिए क्या है इस वक्त, और आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले हम आपका मैसेज देखेंगे। अगर आपका मैसेज आपके पार्टनर के लिए सेम है, रेजोनेट करती है एनर्जीज आपसे, तो फिर आप अपने पार्टनर का मैसेज अपने लिए सुन सकते हैं। सो इस डेक से मैं लूँगी आपके पार्टनर्स के मैसेजेस आपको लेकर, और इस डेक से हम लेंगे आपका मैसेज आपके पर्सन के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये रीडिंग सबके लिए है गाइस, जो सेपरेशन में हैं, जो कांटेक्ट में हैं, जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, या जो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, सबके लिए ये रीडिंग्स हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं और देखेंगे आने वाले समय में, प्लीज़ गाइड करें उनका मैसेज क्या है आज के दिन में अपने पार्टनर के लिए। क्या मैसेज है? फाइव कार्ड्स। क्या मैसेज है? क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से आज के दिन में वो? बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है पॉलिटिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट, लेजीनेस, सेलिब्रेशन, अंडरस्टैंडिंग। एक एक करके बताती हूँ, जिसका जिसका मैसेजेस होगा बताना ज़रूर से कमेंट सेक्शन में। पहला मैसेज है, आप में से कई लोगों के दिमाग में ये है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, या आपके पार्टनर आपके साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, मास्क तो नहीं लगाया है। तो आपका उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि पॉलिटिक्स बंद कर दो, आप ये जो रोज़ रोज़ का ड्रामा है ये बंद कर दो और रियल चीज़ें बताओ मुझे। जो सच है मैं वो सुनना चाहती हूँ या सुनना चाहता हूँ। मैं और सफ़र नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। ये क्लियर मैसेज है आप में से कई लोगों का। ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपका दिल दुखाया हो, हो सकता है उन्होंने आपसे पहले कोई सच छुपाया हो, आपने पकड़ लिया हो, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया हो और वापस वही गलती दोहरा रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये किस तरह की गलती है वो तो सबकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, पर्सनल रीडिंग से ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है। बट यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इस तरीके की हैं कि आप में से कई लोगों के अंदर अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, और आप उनसे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपको एक मौका मिल जाए सामने बैठने का, तो आप उनसे एक एक चीज़ क्लियर आउट करना चाहते हो, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें 24 घंटे घूमती हैं और आप सफ़र कर रहे हो उन चीज़ों से। आप अपनी डेली लाइफ नहीं जी पा रहे हो, ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है या आपका कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है, आप अपने बाकी के काम भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप उनसे क्लियर करना चाहते हो चीज़ें। ये मैसेज बॉटम ऑफ द डेक है, तो कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा लोगों का ये मैसेज हो सकता है। दूसरा मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हुए, क्या वो अवेकनिंग प्रोसेस का पार्ट हैं। ये मैसेज है कि आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपके लाइफ में चल क्या रहा है। ये मैसेज आपका उनके लिए है, मतलब आप उनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि उनके लाइफ में क्या चीज़ें बदल रही हैं, या उनके नेचर बदला कि नहीं बदला, उनका एटीट्यूड बदला या नहीं बदला, उनकी व्यवहार में क्या चेंजेस आए, क्या वो एक अवेकन पर्सन की तरफ बिहेव कर रही हैं या कर रहे हैं, या एक डिस्टॉर्टेड पर्सन की तरफ बिहेव कर रही हैं या कर रहे हैं। तो आप में से कई लोग ये चीज़ें जानना चाहते हैं। कुछ लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि क्या थर्ड पार्टी एंड हुई या नहीं हुई, होगी या नहीं होगी। ये क्लियर मैसेज है आप में से कुछ लोगों का। आप में से कुछ लोगों ने ये मैसेज देना चाहते हैं कि कब मिलेंगे हम। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कब मिलेंगे, कब बातचीत होगी, कब हम एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, या कब हम, हमारी विशेस कब पूरी होंगी, हमारी जो इच्छाएं हैं एक दूसरे को लेकर वो इच्छाएं कब पूरी होंगी, कब हम रीयूनाइट होंगे, या हमारी शादी कब होगी, या हमें कमिटमेंट कब मिलेगी, या हमारे पेरेंट्स कब मानेंगे, इस तरह का कोई मैसेजेस। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, ट्रस्ट, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर हूँ। मतलब ये बंदा आकाश से देखिए गिर रहा है, लेकिन इसे भगवान पर पूरा भरोसा है कि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। सो आपको अपने पर्सन पर इसी तरह का भरोसा है, मतलब आप उन्हें पूछते हैं, उन्हें डिवाइन की तरह पूछते हैं।
एंड द लास्ट मैसेज वी हैव इज़ अंडरस्टैंडिंग। आप उनको, आप में से कुछ लोग उनकी प्रॉब्लम में शरीक होना चाहते हैं, आप उनसे ये कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि मैं आपको पूरी तरह से समझता हूँ या समझती हूँ, आप जो चाहें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आपकी परछाई समझकर, मतलब मैं कभी आपसे अलग नहीं होऊंगा या नहीं होंगी और आपकी बातें मेरे तक ही रहेंगी। आप जितना भी आपके दिल में आपने दबा रखा है, जो भी इमोशनल आपके चीज़ें हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हो। रोना है रो सकते हो, बोलना है बोल सकते हो, डांटना है डांट सकते हो, मारना है पीटना है, गाली देना है, वो भी चीज़ें चलेंगी, बट आप अपनी जो भी चीज़ें एक्सप्रेस करो, क्लियर आउट करो चीज़ें। मतलब एक तरह से आप में से कई लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ अपने अंदर दबा के रखा है, सिर्फ इसलिए कि वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहते या नहीं दिखना चाहते या वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप में से कई लोग उन्हें ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप उनको हर हालात में अंडरस्टैंड करोगे और आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे। सो ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है मेरे व्यूवर्स का अपने पर्सन के लिए। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुआ होगा ये मैसेज, तो आप अपने पर्सन की रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके पार्टनर्स, जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको इस वक्त? फाइव कार्ड्स एंजल्स, अभी नहीं बोलूँगी, दिखाऊंगी। किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस, एक कार्ड और, मैंने आप लोगों के 6 कार्ड लिए थे ना, चलिए एक कार्ड और लेंगे हम। ये कौन है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्स्टिकल्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ कप्स। चलो आपके पर्सन के कार्ड ज़्यादा हो गए। साइन सभी है यहाँ पर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सभी साइंस हैं। कैंसर सबसे स्ट्रांग है। यहाँ पर देखिए पहला कार्ड है द चैरियट। आपके पर्सन, आप में से ज़्यादातर लोगों के पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत जल्द वापस आएंगे आपके तरफ या आएंगी, या तो आ चुके हैं या तो आएंगे बहुत जल्द। हो सकता है इस रीडिंग के दौरान भी कुछ लोगों को मैसेजेस आ जाएं। सेकंड यहाँ पर जो मैसेज है आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं, देखिए आपके पर्सन की रीडिंग में आया है 555, 555, मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस चल रहे हैं इनके लाइफ में। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन इमोशनली बहुत अपसेट हैं, झगड़े लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इनके लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, चाहे फाइनेंशियल लाइफ को लेकर चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा हारा हुआ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इतनी हैवी एनर्जी में ये होते हुए भी आपकी तरफ आना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आपसे ही इन्हें वो पॉजिटिविटी मिलेगी। जैसे इंसान को चोट लगती है तो वो क्या करता है, वो हल्दी लगाता है, दवा खाता है, दर्द की दवाई खाता है या लगाता है, फिर उसे आराम आता है। तो वैसे ही आप वो दवा हैं इनके लिए, वो मेडिसिन है जो इनके इस हालात में इनको हील कर सकते हैं या कर सकती हैं। आप एक ऐसी क्वीन हैं या किंग हैं जो इनको लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं कि आपकी बातों से या आपकी वाइब्स से सिर्फ इनको एनर्जी मिलती है। अगर आपने इनको प्यार से सपोर्ट कर दिया, प्यार से इनका हालचाल ले लिया, तो इनके जितने भी ज़ख्म हैं, जितने भी लोगों से इन्होंने झेले हैं, झगड़ा किया है, या जो भी इनको हर्ट मिला है, पेन मिला है, सफरिंग्स हैं, वो रिलीज़ हो जाती हैं। यहाँ पर ये अपने दिल को ओपन करना चाहते हैं आपके लिए, इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, मतलब ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं, सब कुछ कहना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए। चैरियट की एनर्जी है, बहुत जल्द ये डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं, और जब इनका मैसेज आपको आएगा तो ये आपको अपने पूरे हालात से वाकिफ़ भी करवाएंगे कि हाँ ये किस हालात से गुजर रही थी या गुजर रहे थे, इन्होंने क्या क्या झेला और क्यों आपसे डिस्टेंस में रहे, ये सारी चीज़ें ये आपको क्लियर आउट करेंगे। तो इनका मैसेज है कि आप इनको लेकर जैसे थे वैसे ही हैं,
या नहीं, ये भी ये चेक करना चाहते हैं। और आप इनको लेकर उतने ही पॉजिटिव हैं या नहीं, ये भी आपको किसी बात से चिढ़ा के जला के ये चेक करेंगे। सो अवेयर रहिएगा, ठीक है। अगर इन्होंने किसी और पर्सन की तारीफ़ कर दी आपके सामने और आप चिढ़ गए, जल गए, तो ये समझ जाएंगे कि आप अभी भी इनसे उतना ही प्यार करते हो जितना आप करते थे। तो ये इनकी ट्रिकरी हैबिट्स होते हैं जिनसे कि ये चेक कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है इनको तो आपकी कदर ही नहीं है और आप अभी बहुत इमेच्योर एनर्जी में रहते हो, और ये बहुत इंटेलिजेंट माइंड यूज़ करते हैं, लॉजिक यूज़ करते हैं। सो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपको लेकर, जो कि इमोशनल भी हैं, थोड़े प्रॉब्लमेटिक भी हैं, और आपकी तरफ अच्छा कुछ आने वाला है बहुत जल्द। स्पेशली यहाँ पर जो एनर्जी है वो 5 to 8 days की है, तो 5 से 8 दिन के अंदर आप में से कई लोगों को ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। सो ये है आज की रीडिंग, होप आप लोगों को गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।